नमस्कार भाई साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पृथक क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के प्रकार के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था सेल और बैटरी के बारे में। सेल क्या होता है? सेल एक प्रकार की क्या है, एकल इकाई है, जबकि बैटरी अनेक सेलों के समूह से मिलकर बनी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, जो प्राइमरी सेल है और सेकेंडरी सेल है, ये दो प्रकार के होते हैं, तो इनके अंतर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो प्राइमरी सेल है, यहां हम लिख लेते हैं सेकेंडरी सेल। हमें ध्यान रखना होगा जो प्राइमरी सेल है वो क्या होता है, इसको एक बार हम काम में लेने के बाद दोबारा से काम में नहीं ले सकते। और सेकेंडरी सेल एक ऐसा सेल होता है जिसको एक बार यूज में लेने के बाद फिर से यूज में ले सकते हैं। कहने का मतलब सेकेंडरी सेल क्या है, एक डिस्चार्जेबल सेल है। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसको एक बार काम में लेने के बाद फिर से उपयोग में नहीं ले सकते, जबकि सेकेंडरी सेल को फिर से उपयोग में ले सकते हैं। साथ ही हमें ध्यान रखना होगा एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, सेकेंडरी सेल का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में भी आया हुआ है कि सेकेंडरी सेल किस प्रकार का सेल है। सेकेंडरी सेल एक प्रकार से डिस्चार्जेबल सेल है, जो चार्ज भी हो सकता है, डिस्चार्ज भी हो सकता है, इसको पुनः काम में लिया जा सकता है, लेकिन प्राइमरी सेल को हम नहीं ले सकते। अब हम इनके प्रकार के बारे में देखेंगे। तो दूसरा इसका क्या होगा कि जो प्राइमरी सेल है इसका जो विद्युत भार का मान है, ईएमएफ का जो मान है वो क्या होता है, कम होता है, जबकि जो सेकेंडरी सेल है इसमें ईएमएफ का मान कितना होता है, अधिक होता है। तो इसमें ईएमएफ का मान अधिक होता है। मान लीजिए सेकेंडरी सेल जैसे हमारे पास लेड एसिड सेल होता है, निकिल आयरन सेल होता है, इसमें क्या होता है विद्युत भार का मान कितना होता है, 2.0 होता है, 2.2 होता है, इस प्रकार से होता है। लेकिन प्राइमरी सेल, वोल्टेज सेल, टेनेंस सेल, इस प्रकार के सेल होते इसमें विद्युत भार का मान कितना होता है, 1.08, 1.1, 1.15, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसका मान क्या होता है, विद्युत भार का मान कम होता है, और इसमें विद्युत भार का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके बारे में देखेंगे कि प्राइमरी सेल स्वयं कितने प्रकार के होते हैं और सेकेंडरी सेल स्वयं कितने प्रकार के होते हैं। तो इनके बारे में देखेंगे, इनके अंतर के बारे में देखेंगे, कौन कौन सा इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है और कितना कितना इनका विद्युत भार होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक सेल और यहां देखेंगे द्वितीयक सेल। ठीक है साथियों, अब हम क्या करेंगे, जो प्राथमिक सेल है साथियों, प्राथमिक सेल है वो छह प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, छह के। छह प्रकार के होते हैं प्राथमिक सेल, जबकि द्वितीयक सेल कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, तो पहला सेल कौन सा है, वोल्टेज सेल। पहला सेल कौन सा है, वोल्टेज सेल, प्राइमरी सेल में वोल्टेइक सेल, इसकी खोज वोल्टा नामक वैज्ञानिक की थी। दूसरा सेल कौन था, डेनियल सेल। तीसरा सेल कौन सा है, लेक्रांची सेल। चौथा सेल कौन सा है, सुस सेल। पांचवा कौन सा है, मरकरी सेल। और छठवां सेल कौन सा है, सिल्वर ऑक्साइड सेल। ठीक है साथियों, ये छठवां सेल है जो प्राइमरी का लास्ट सेल है। अब हम क्या करेंगे, इनके विद्युत वाहक बल के बारे में देखेंगे, इनमें कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है इसके बारे में देखेंगे,
कहां कहां इनके उपयोग होते हैं इनके बारे में देखेंगे। साथियों सबसे पहले हम द्वितीय सेल के बारे में देख लेते हैं, ये प्रकार कितने होते हैं इनके भी। तो द्वितीय सेल के जो प्रकार है, पहला प्रकार कौन सा है, लेड एसिड सेल। ठीक है, दूसरा कौन सा है, निकिल आयरन सेल। तीसरा कौन सा है, निकिल कैडमियम सेल। ये ट्विटर सेल, इन्हें पुनः चार्ज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनमें कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट पड़ा जाता है, इनका विद्युत वाहक बल कितना होता है ये देखेंगे। सबसे पहले इनके विद्युत वाहक बल के बारे में देखेंगे, साथ ही इनका ईएमएफ का जो मान है वो अलग अलग होता है सभी में। तो सबसे पहले वोल्टेज सेल का जो विद्युत वाहक बल का मान होता है वो होता है 1.8। ठीक है, डेनिल सेल का विद्युत वाहक बल होता है 1.1। इलेक्ट्रॉनसी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है 1.46। हमें एक एक सेल का विद्युत वाहक ध्यान रखना होगा, शुष्क सेल का जो विद्युत वाहक होता है 1.5 से 1.4 से 1.5। ठीक है साथियों, मर्करी सेल का जो विद्युत वाहक होता है 1.3 से 1.4, और सिल्वर ऑक्साइड का जो विद्युत वाहक का मान होता है वो होता है 1.5। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग ईएमएफ के मान होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके जो दूसरे नाम है, कहने का मतलब उपनाम है, वो क्या होंगे। यहां देखिए मर्करी सेल का दूसरा नाम क्या है, मर्करी सेल को साथियों लघु बर्तन सेल भी कहते हैं। इसे हम लघु बर्तन सेल भी कहते हैं, लघु बर्तन सेल। ठीक है साथियों, अब हम क्या करेंगे, इनके उपयोग के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पहले देख लेते हैं। इसमें क्या बनाया जाता है, H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट। इस सारणी को हमें बहुत ही ध्यान से देखना है, किस प्रकार से हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या बनाया जाता है, H2SO4। इसमें क्या बनाया जाता है, CuSO4। इसमें क्या बनाया जाता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। इसमें क्या बनाया जाता है, जो शुष्क है इसमें क्या बनाया जाता है, NH4+POP। इसमें अमोनियम क्लोराइड और पीओपी, इसकी लुगदी बढ़ी जाती है इसके अंदर शुष्क में। और मर्करी सेल में क्या बनाया जाता है, HGO। ठीक है, और सिल्वर ऑक्साइड में सिल्वर ऑक्साइड ही बनाया जाता है। ठीक है साथियों, हमने क्या देखा है, इसके विद्युत वाहक बल के बारे में देखा है, इसके इलेक्ट्रोलाइट के बारे में देखा है। अब हम देखेंगे प्राइमरी सेल का उपयोग कहां का होता है। हमें ध्यान रखना होगा जो वोल्टेज सेल है इसका उपयोग आजकल समाप्त हो गया है, आजकल समाप्त, आजकल इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है, लगभग समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे डेनियल सेल। डेनियल सेल का साथियों जो उपयोग है वो होता है प्रयोगशालाओं में। ठीक है साथियों, अब हम देखेंगे लेकलांची सेल। लेकलांची सेल का उपयोग उस स्थान पर होता है जहां हमें विद्युत कैसी प्राप्त हो, रुक रुक कर विद्युत प्राप्त हो। तो लेकलांची सेल का उपयोग वहां इसका उपयोग करेंगे जहां विद्युत रुक रुक कर प्राप्त हो हमें, वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, लेकलांची सेल का। इसके बाद शुष्क सेल, साथियों जो शुष्क सेल है इसका उपयोग दीवार घड़ी, कैलकुलेटर, आदि उपकरणों में किया जाता है। जो लगभग सबसे अधिक उपयोग आने वाला सेल है शुष्क सेल, जो इसकी बनावट किस प्रकार की होती है, जो हम आमतौर पर हमारी घड़ियों में देखते हैं इस प्रकार की इसकी बनावट होती है, जो दोनों तरफ इसके टर्मिनल लगे होते हैं। ठीक है साथियों, तो यह है शुष्क सेल। इसके बाद हम देख रहे हैं मर्करी सेल, और मर्करी सेल का जो उपयोग है वो होता है लघु उपकरणों में।
अब लघु उपकरण जैसे जो हमारे लघु उपकरण मतलब बहुत छोटा सेल होता है, ये गोल आकार का होता है, जो घड़ियों में उपयोग लिया जाता है ये गोल आकार का होता है, बहुत ही छोटा होता है, इसका आकार काफी छोटा होता है तो इसमें इसका उपयोग किया जाता है। और मरकरी सेल का उपयोग होता है अति लघु उपकरण जैसे डायोड वगैरह में आता है। मान लीजिए मरकरी सेल का उपयोग अति लघु उपकरण, इसका उपयोग किया जाता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मरकरी सेल का उपयोग लघु उपकरणों में भी अभी देखा है हमने, लघु उपकरणों में और सिल्वर ऑक्साइड का उपयोग अति लघु उपकरणों में। तो साथ ही हमने क्या किया, प्राइमरी सेल के बारे में देखा है, इनके विद्युत वाहक के बारे में देखा है, इनके इलेक्ट्रोलाइट के बारे में देखा है और इनके उपयोग के बारे में देखा है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे तो सेकेंडरी सेल है इसमें कौन कौन से विद्युत वाहक होता है, कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है और कहां कहां इनका उपयोग होता है। तो देखेंगे सेकेंडरी सेल के बारे में, सेकेंडरी सेल में पहला सेल जो आता है वो आता है लेड एसिड सेल, और इसका जो विद्युत वाहक बल है, इसका जो विद्युत वाहक बल है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है लोड रहित अवस्था में, एक होता है लोड सहित अवस्था में। विद्युत वाहक बल दो प्रकार से होता है, लोड रहित अवस्था, लोड सहित अवस्था। लोड रहित अवस्था कहने का मतलब बिना लोड के, यदि लोड लगा हुआ है तो इसका विद्युत वाहक का मान कितना होगा, 2.0 वोल्ट। ठीक है साथियों, अगर लोड लगा हुआ नहीं है तो इसके विद्युत वाहक का मान कितना होगा, 2.2 वोल्ट। और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सेल है, सबसे उपयोगी सेल है। आमतौर पर बहुत सी एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेड एसिड सेल का दूसरा नाम क्या है। साथियों इसका जो दूसरा नाम है वो है सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। अब इसके उपयोग की जहां तक हम बात करें, इसका उपयोग डायनमो या बैटरियों में किया जाता है, डायनमो आदि उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है, लेड एसिड सेल का, जिसे हम सीसा संचायक सेल भी बोलते हैं। विद्युत वाहक बल के बारे में देख लिया, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है कौन सा भरा जाता है, H2SO4 तनुगंधक अम्ल इसके अंदर भरा जाता है। अब हम देखेंगे इसके बाद दूसरा जो सेल है, निकिल आयरन सेल। निकिल आयरन सेल का जो विद्युत वाहक बल का मान है वो होता है 1.2 से 1.5 वोल्ट, 1.2 से 1.5 वोल्ट इसके ईएमएफ का मान है। ठीक है साथियों, और इसका जो दूसरा नाम है इसे हम एडिसन सेल भी कहते हैं, इसे हम एडिसन सेल भी कहते हैं। एक बार दिल्ली मेट्रो में क्वेश्चन पूछा गया था कि निकिल आयरन सेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम गीला तर सेल भी, गीला तरह सेल भी कहते हैं, इसे हम गीला तर सेल भी कहते हैं। यह निकिल आयरन का ही दूसरा, निकिल आयरन सेल का ही दूसरा नाम है गीला तर सेल। और इसका जो विद्युत वाहक बल है 1.2 से 1.5, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का मान है KOH+HGO, कहने का मतलब पोटेशियम हाइड्राइड और लिथियम हाइड्राइड इसके अंदर भरा जाता है, KOH और HGO इसके अंदर भरा जाता है। अब हम देखेंगे अंतिम निकिल कैडमियम सेल के बारे में। साथियों जो निकिल कैडमियम सेल है इसका विद्युत वाहक बल का मान
1.5 वोल्ट होता है, इसके विद्युत आवागमन कितना होता है 1.5 वोल्ट होता है, और इसके अंदर दो प्लेट लगी होती है, एक प्लेट है वो निकिल की बनी होती है और जो दूसरी प्लेट है वो कैडमियम की बनी होती है तो ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।